नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंज लाइव न्यूज और मैं शिव सिंह आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ एक नए इतिहास के साथ जो आपको ले चलेगा उस इतिहास के पन्ने में जहां से एक जिन निकलेगा और फिर वही बहस चालू हो जाएगी। आखिर भारत का असली निवासी था कौन, भारत का पहला निवासी कौन था। साथ के साथ हो सकता है मेरी बातें बहुत सारे लोगों को खराब लगे, खासतौर से उन लोगों को जो कट्टर हिंदू अपने आप को कहते हैं, लेकिन सच तो सच है। सच कड़वा भी होता है, कभी कभी जड़ी बूटी समझ कर उस सच को पी जाना चाहिए, वो आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर होता है। जानेंगे मोहनजोदड़ो के इतिहास के बारे में और बात करेंगे कि भारत का पहला भारतीय कौन था और कौन था भारत का मूल निवासी। वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके पहले आपसे एक इल्तिजा करूंगा, गूंज लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वक्त गूंज लाइव न्यूज़ को आप लोगों के साथ के जो है प्यार भरपूर मिल रहा है, इस प्यार को 4 गुना बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारी ताकत, मैं शुरू से बोलता हूँ, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लगातार लड़ेंगे, प्रतिबद्ध हैं इस लड़ाई के लिए। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए, तो बात आगे बढ़ाते हैं साथियों। साथियों मोहनजोदड़ो का संक्षेप इतिहास। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिण में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। ये बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। पाकिस्तान के सिंध में 2600 बीसी के आसपास इसका निर्माण हुआ। साथियों सबसे पहले 1922 में राखल दास बनर्जी नाम के एक व्यक्ति थे जो पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य थे। उन्होंने पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास में सन 1922 में एक स्तूप देखा, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि अंदर में कुछ है। उन्होंने खुदाई करनी शुरू करी। ये खुदाई बड़ी और सन 1924 में काशीनाथ नारायण और फिर 1925 में एक अंग्रेज जॉन मार्शल ने इस खुदाई को आगे बढ़ाया। होते होते सन 1965 जब अंग्रेज चले गए, खुदाई का काम रोक दिया गया। कारण बताया गया प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों जगा, उसके पीछे का एक पूरा इतिहास है। अगर हम मोहनजोदड़ो के विशेषताओं की बात करें तो आपको हैरानी होगी जानकर, आज का जो भारत है हमारा या पाकिस्तान, वो कई गुना पीछे है उस समय के मोहनजोदड़ो जो शहर है और उनके विकास से। उस समय में बड़ी बड़ी इमारतें जिसकी दीवार काफी मजबूत पाई जाती थी, जलकुंड, मजबूत दीवार वाले घर, लाल ईंट के बने हुए रेक्टेंगल शेप में वो ईंट हुआ करती थी एक साइड में, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, उन लोगों को गाना बजाने का बड़ा शौक था, म्यूजिक बहुत पैशन था, पेंटिंग ये सब का बड़ा शौक था। तो ये सारे सबूत मिले जिससे ये पता चला कि उस समय में किस तरह का वो शहर हुआ करता था और कितना डेवलप वो शहर था। शायद आज का भारत का जो विकास है वो भी शर्मा जाए उस समय के विकास को देखकर। तो फिर विनाश का क्या कारण बना, शहर का, उन लोगों का विकास, विनाश का क्या कारण बना, बताते हैं। जलवायु में बदलाव और आपदा उस समय का विनाश का कारण बना। अब आते हैं साथियों दूसरे सवाल पर, भारत का असली मूल निवासी कौन। कभी ये कहा गया कि मुस्लिम आक्रमणकारी है, कभी ये कहा गया कि अंग्रेज बाहर से आए हैं। तो दूसरे खेमे ने इल्जाम ये लगाया कि आर्य कौन सा भारत के मूल निवासी है, ये भी तो बाहर से आए हैं। ये बात बहुत से कट्टरवादी हिंदुओं को, या ये कह लें कि कट्टरवादी पार्टी, हिंदू पार्टियों को और ख़ास तौर से नॉर्थ के एरिया में रहने वाले लोगों को पसंद नहीं आती, चुभती है। पहले जान लेते हैं आर्य और द्रविड़ कौन है। आर्य की बात करें तो आर्य वो लोग हैं जो अरब और सऊदी अरब और बाहर के देशों से आए और आकर के हमारे भारत में बस गए।
लेकिन भारत में असली कौन रहता था? भारत में रहते थे द्रविड़। और ये द्रविड़ कौन है? द्रविड़ है जो आज के साउथ इंडिया है, साउथ इंडियन है उन्हें। दरअसल आर्य, आर्य जो है, आर्य ये दावा करते हैं कि वो बहुत पहले से, मतलब हड़प्पा काल से ही वो रहते आ रहे हैं। मोहनजोदाड़ो जो वो जो वक्त था उसी समय से रहते आ रहे हैं। और हिंदू की जो सभ्यता है और जो वैदिक, वो उस समय के साथ का है। ये दावा कट्टरवादी हिंदुओं का, या ये कह ले कि नॉर्थ शहर के हिंदुओं का रहा है। ये जो लड़ाई है ये अनंत है, चलती आ रही है। लेकिन सवाल ये है, इसमें साइंस क्या कहती है, विज्ञान क्या कहता है? इसके लिए आपको कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। हरियाणा के राखी गणी, हिसार का ये क्षेत्र में आता है राखी गणी, जहाँ पर कहते हैं, उस शहर को बोलते हैं कि उस शहर में, अगर बात कर लें राखी गणी के हिसार शहर में, एक टीला नाम का क्षेत्र है जहाँ पर खुदाई करने में पाया जाता है कि यहाँ पर मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा शहर है। वहाँ पर एक कंकाल मिलता है, ये कंकाल रहता है 4,500 साल पुराना। पुणे के प्रोफेसर डॉक्टर बसंत सिंधे और उनकी टीम ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, और जो रिसर्च के नतीजे आए वो शायद बहुत सारे लोगों को वो रिजल्ट गणे, क्योंकि उस रिसर्च में पाया गया कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं संस्कृत और हिंदू संस्कृति से मूल स्रोत नहीं थे। आज भारतीयों और हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जेनरिक कनेक्शन है। हड़प्पा के लोग आर्यों के मुकाबले द्रविड़ों के ज़्यादा नज़दीक हैं, ज़्यादा करीब थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग साउथ इंडियन से ज़्यादा मेल खाते हैं, ये उस रिसर्च में पाया गया। साथियों बात कर लें उस कंकाल की, तो वो 4,500 साल पुराना था। उस कंकाल का जब डीएनए किया गया तो R1A1, इसको एक आर्य जीन कहा जाता है, या ये कह लें कि आर्यों का ये डीएनए है। खास तौर से नॉर्थ क्षेत्र, नॉर्थ के जो स्टेट है वहाँ पर रहने वाले जो पुरुष हैं, करीब करीब बात करें तो 17.5% उनके अंदर वो डीएनए पाया जाता है। और साउथ के जो लोग हैं वो द्रविड़ों से मिलते हैं, द्रविड़ हैं ये कह लें। और जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो कंकाल है पाया गया है वो साउथ के लोगों से ज़्यादा मेल खाता है। इसका मतलब ये हुआ आर्यों का जो, आर्यों की जो बात है, आर्यों ने जो दावा किया है वो दावा फेल हो रहा है। ये जो खोज है ये छोटी मोटी खोज नहीं है, बहुत बड़ी खोज है जो सदियों से बहस चलती आ रही है। और ना जाने कई पार्टियां बन गई जो कट्टर हिंदू पार्टी बोल करके मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है। ये कहा जाता है कि जो मुसलमान हैं आक्रमणकारी हैं, बाहर के हैं, अंग्रेज बाहर से आए हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि आर्य भी तो बाहर से आए हैं और आप लोग तो खुद एक आर्य हैं। कई बार द्रविड़ पक्ष के लोग ये आरोप आर्यों पे लगाते हैं कि इन्होंने हमारी जो सभ्यता है उसको ख़त्म किया बाहर से आकर। तो विज्ञान ये मानता है। तो आज हमने आपको बताया, पूरी एक रिपोर्ट बताई मोहनजोदाड़ो से संबंधित, साथ के साथ ये आपको बताया कि जो मूल निवासी हैं वो कौन है, साथ के साथ आर और द्रविड़ के बारे में थोड़ा बताया और रिसर्च के बारे में बताया। तो साथियों हमारे एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। इस तरीके का इतिहास से संबंधित जो एपिसोड है वो हम लोग आप लोग के सामने लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के लिए शिव कुमार सिंह को इस वीडियो से रुख्सत दीजिए। फिलहाल के लिए मैं शिव सिंह, नमस्कार साथियों।